हाँ गाइस अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माबिटी के पकवान। एक मेकर है मेरी दादा के साथ, मैं सजादा मिल रही हूँ फिर आपको माबिटी के पकवान में इस्तकबाल करती हूँ। तो ये रहे मिकाइल, जिनका अभी अभी मैंने तैयार करके लिटाया है, और इनका ये सूट मुझे बहुत क्यूट लगता है। ये देखे बेबी, हाथ खोलना, ये देखो। ये रहे मेरा काका, लेता हुआ है तारों की, और आज मम्मी की बर्थडे भी है। तो आज देखते हैं आज की रूटीन में हम लोग क्या क्या करते हैं, और जो जो करेंगे आपके सामने शेयर करूँगी। वैसे तो आज मैंने नाश्ते का व्लॉग नहीं बनाया, मैं थोड़ा भूल गई थी नाश्ते का व्लॉग बनाना, और जल्दी नाश्ता कर लिया। तो फिर आपसे जो करते हैं वालों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे बराबर वालों के यहाँ से नियाज आई है मटर वाले चावल, और मेरे बराबर मम्मा बैठी हैं। तो हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू, इतना सूखा सूखा बर्थडे बर्थडे है मम्मा का, इतने दिन बाद बर्थडे है, इतने दिन बाद बर्थडे है, ये इतने दिन लगे। जब बर्थडे आ जाता है ना तो यही होता है ना गाइस, आप लोग भी इस बात को तो मानेंगे। जिस दिन सालगिरह का दिन होता है वो फल्ला ऐसा लगता है, हर दिन अच्छा होता है, लेकिन सालगिरह वाले दिन तो पता नहीं कौन सा। लेकिन 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 अल्लाह का शुक्र है मेरे पास खजाना अच्छा खासा हो गया सालगिरह का, क्योंकि मैंने सबसे गिफ्ट विफ्ट किसी से नहीं लिए। क्या लिया है मैंने? कैश ले लिया, और मैं एक दिन पहले ही रात को सारे मम्मा को कैश दे के फारिग हो गए हैं। तो मैं बहुत फायदे में रही हूँ, गिफ्ट सस्ते से भी आ जाते हैं। और मैंने रात में मम्मा को 12 बजे विश कर दिया था मम्मा की बर्थडे। बिल्कुल, सबने ही अपने टाइम पे विश कर दिया। और ये काफी मिर्चों वाली बिरयानी आई, हाँ ये नियाज आई है, और बहुत मजेदार है, बहुत मजे की। और एक हलीम भी आई थी हमारे बराबर वाले के यहाँ हमारे घर में। और दूसरा ये कि मुझे जिसने विश करा है थैंक यू सो मच, सब सिस्टरों का, सिस्टर्स का हमारी। तो ठीक है, अब जो जो दिन में आगे होता रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी ये देखिए, यहाँ पर मैं मम्मा के लिए गजरे लेकर आई हूँ, और मम्मा को बिल्कुल नहीं पता है इस बात का, और अब मम्मा के पास चलते हैं और मम्मा को बताते हैं। मम्मा ये देखिए क्या ले आई है दा, आप गजरे लाई मैं आपके लिए। वाओ, एक मिनट, मेरे हाथ में डुगू है। वाओ, इतने प्यारे गजरे, जबरदस्त, थैंक यू। बहुत प्यारी खुशबू, जबरदस्त स्मेल, वाओ। अच्छे लगे आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, थैंक यू अदा, थैंक यू। अब आप ये पहन के दिखाएं। तो ये रहा मम्मा की बर्थडे का केक। ओहो, आज आपने प्लेन केक मंगवाया है? जी मैंने कहा कि मेरा मम्मा की बर्थडे पे केक ही मंगा ले। और ये रहा मम्मा का केक। मिनी कप केक। ये रहा मम्मा का बर्थडे केक। मम्मा का नहीं है ये, मिकाइल का है मेरे कप केक। और ये भाई मुहर्रम है तो केक शेक नो, ये मिकाइल का कपकेक था। तो अदा ने ऐसे ही अदा को मजाक सूझा और अदा ने ऐसे ही वीडियो ले ली। तो हैप्पी बर्थडे मम्मा वन मोर टाइम, थैंक यू। और मैंने मम्मा को गजरे दिए, और मम्मा गजरे पहनेंगे पापा के आने के टाइम, वरना तो गजरों के सारे फूल बिखर जाएंगे। तब तक नहीं है, अभी भी नहीं आई। ये ले भैया आप सबको मेरी तरफ से मिकाइल का कपकेक, मिकाइल का कपकेक आप सबको मम्मा की तरफ से। और आज मम्मा ने अपना ईद वाला सूट पहना हुआ है भाई। यो वाह भाई वाह। तो अब लाइट आएगी 6:10 पर, रोज हमारी जाती है 4:30 और आती है 6:10 पे। और जी जनाब, ये मेरा डुगू जी पारे से तारों के लेते हैं नी मम्मा, शक्ले शारी शारी कुबान हो जी अपने बेबी पे। ओ मेरे बेबी का जौबन, और ये मेरी बेबी के ऊपर दग बैठ गई, और बैठ ही नहीं रही भाई, बैठ ही नहीं रही। और ये सुन हो गया था ने बेबी की। बिल्कुल, और मगर पीछे फोन आ रहा है, लगा फोन आ गया, फोन आ गया। तो जी यहाँ पर जो है ये पापा कह रही हूँ, मम्मा और भैया जाकर नियाज के लिए सामान लेकर आए थे, जो जो हलीम बनाने के लिए चीज़ें चाहिए थी वो भैया और मम्मा जाकर लेकर आए थे यहाँ पर। और हम लोग हलीम बना रहे हैं, चिकन भी बना रही हैं, मम्मा बीफ भी बना रही हैं। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हलीम अच्छी सी बने, बहुत मज़े की बने। और यहाँ पीछे मम्मा की आवाज़ आ गई क्योंकि मिकाइल उठ गए, वो सो रहे थे, तभी मैं मिकाइल के पास जाती हूँ। जी जनाब, ये आया है बाहर से ऑर्डर, इसमें है कोल्ड ड्रिंक, क्या है ये, अभी अभी आया है, इसमें शायद फ्राइड राइस है। ओ खुशबू यमी। तो चलें भाई जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, और भूख बहुत ज़बरदस्त लगी। अमान आ जाओ बेटा, आ जाओ दा।
क्या हुआ है, खाना लगा है और लाइट चली गई है। सारे खाने का सत्यानाश हो, खाने का नहीं मज़े का सत्यानाश हुआ। ओ यम्मी, और ये है फ्राइड राइस, उसमें है मंचूरियन। गिट्स। चलिए जी, अब मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो जी फिर इसी के साथ साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। आज के दिन भी एक बहुत थका देने वाला दिन था, और आप लोगों को पता है मैं मार्केट गई जब मैंने मम्मा के लिए ये गजरे लेकर आई, तो मैं मार्केट गई थी तो मिकाइल का जो है ना 14 अगस्त का जो मैं कल सूट लेकर आई थी ना, वो एक साइज छोटा आ गया था, तो मैं उनके पास वापसी करवाने के लिए लेके गई। तो उन्होंने कहा वापसी नहीं होगा ये, और ना बस अगर आप वापसी करेंगे ना तो आपको उसमें और पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तो और पैसे ऐड करने पड़ेगा, उन्होंने ये कहा। तो मैंने उनसे और सूट भी निकलवाया तो और कोई पसंद भी नहीं आया, तो फिर मैंने जो मिकाइल का वो जो लेकर आई थी वही वाला सूट वापस ले आई उनके पास से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वही वाला वापस दे दें, क्योंकि उनके पास और कोई अच्छे सूट नहीं थे, डिजिटल प्रिंट्स वाले थे, वो इतने कोई खास अच्छे नहीं लग रहे थे, वो जो उभरा हुआ ग्लाफ पाकिस्तान लिखा हुआ था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो एक दिन की तो बात है, पहना कर देख लेंगे बेबी को। तो ठीक है, और इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग को भी एंड करते हैं, लंबा हो गया वैसे आज का ब्लॉग भी मम्मा की बर्थडे का, और मम्मा की बर्थडे बहुत अच्छी गुजरी है। केक नहीं काट सके क्योंकि मुहर्रम की वजह से, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल सही केक काटेंगे मम्मा की बर्थडे पे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी भी इंतजार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।